हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन दैट इज चैप्टर वन ऑफ यूनिट सेकंड ओके सो इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू स्टडी द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन तो बेटे इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे जब भी कोई मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है जब स्ट्रेट लाइन तो उसमें कौन कौन से मोशन्स होते हैं एक होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हो सकती है स्पीड एंड एक्सेलेशंस ओके एंड देयर रिलेशन ऑल्सो वेलोसिटी का फार्मूला होता है फिर एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है तो बेटे इन सब के आगे हम ड्राइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन जे चैप्टर हमने थोड़ा सा पार्ट हमने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होगा आपने और इनके जो इक्वेशन्स होंगे वो होती है इक्वेशन ऑफ मोशन और उसी के बेस होंगे हमारे पास नूमेरिकल्स ठीक है बेटे तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर वन फ्रॉम यूनिट नंबर सेकेंड ये है आपका इस चैप्टर का नाम है काइनमेटिक्स काइनमेटिक्स वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन वॉट हैपन यूनिट नंबर टू ठीक है काइनमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन इसके बाद हम वेक्टर स्टडी करेंगे देन आफ्टर मोशन इन ए प्ले ओके एंड यूनिट सेकेंड कंसिस्टेड थ्री चैप्टर्स सो लेट स्टार्ट टूडे फर्स्ट चैप्टर दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन तो बेटे आज के जो टॉपिक्स होगा उसमें हमने मोस्टली डेफिनेशन के पार्ट को हम कवर करेंगे तो हमारी मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैंने इसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को मैं लूंगा ठीक है सो स्टार्ट नाउ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन तो स्टार्टिंग में बेटे इंट्रोडक्शन पार्ट है आपने इसमें से जो मैं अंडरलाइन करवा दूंगा बस उसी को ही अपने नोट्स पे आपने कॉपी के ऊपर लिख लेना अदरवाइज सबको नोट डाउन करने की जरूरत यहां पर नहीं है सो फर्स्ट पार्ट इज स्टैटिक्स स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द फैक्ट ऑफ फोर्स इन इक्विलिब्रियम जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम

ऑफ देंजेस ऑफ स्टेट इज कॉल्ड डायनेमिक्स तो जब हमको स्टडी करना हो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेकिन हमें नहीं पता कि उसका कॉज ऑफ मोशन क्या है क्यों हो रहा है मोशन उसको बोलते हैं डायनामेटिक्स जब हमने उसमें कॉज भी हमें पता हो कि दिस मोशन इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैन डैट काइंड ऑफ मोशन इज नाउन एज डायनामिक तो चलिए थोड़ा और करते हैं अभी आपने कुछ भी नोट नहीं करना दिस इज ऑल फॉर बेसिक इंफॉर्मेशन नेक्स्ट हमारे पास रेस्ट एंड मोशन एनी ऑब्जेक्ट डस नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेट टू बी ए रेस्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजिशन ना चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग उसको हम बोलते हैं द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट

कोई पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो और दो डिस्टेंस हो बहुत ही बड़े फॉर एग्जांपल वन एंड सेकंड तो ये हमारा है दिल्ली एक मान लो आपका सेकंड क्या है पंजाब वैसे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज क्या हो बहुत ही स्मॉल ठीक है साइज इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल बट अगर हमने डेली और पंजाब के दो पॉइंट ले लेते हैं तो ट्रेन मूव करती है फ्रॉम डेली टू तो पंजाब तो उस ट्रेन का जो साइज होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस डेस्टिनेशन पॉइंट कैसा होगा अब देखिए चार सौ अप्रोक्सीमेटली फोर हंड्रेड किलोमीटर्स में इसका डिस्टेंस होगा ठीक है तो 400 किलोमीटर में ट्रेन का जो डिस्टेंस होगा अगर उसको हम वन किलोमीटर भी मान के चलें तो बेटे वो तो बहुत ही पॉइंट साइज होगा ना ट्रेन को अगर ट्रेन को ऑब्जर्व करें अप टू दिस लॉन्ग डिस्टेंस तो ट्रेन का पोजिशन ऐसे ऐसे पॉइंट आपको दिखाई देगा इसलिए हम उस सिचुएशन में भी ट्रेन के साइज को हम क्या बोल सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ठीक है object, तो अगर हमने अपने स्कूल से जब अपने घर तक जाते हैं तो जो साइकिल है या फिर बाईसाइकिल है उसका जो साइज होगा जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली जो उसका साइज होगा वो कैसा होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट्स तो ऐसे हो हुँ, उसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ओके यहाँ पे भी दू वन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिस्टेंट प्लेस बाई द बस द लेंथ ऑफ द बस शुड बी इग्नोर्ड ओके एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल ठीक है तो उसकी बस की लेंथ को हम इग्नोर कर देते हैं एज कंपेयर टू द इट कवर द डिस्टेंस क्योंकि उसकी बस की लेंथ जो होगी वो बहुत स्मॉल होगी एज ही इट कवर ए लार्ज डिस्टेंस तो चलिए एक और करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोशन इन वन टू और थ्री डायमेंशंस तो बेटे मोशन इन वन और टू और थ्री डायमेंशंस में क्या होता है कि जब भी हमारे पास मोशंस होता है किसी ऑब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्ट के मोशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्री कोऑर्डिनेट्स में थ्री कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे एक्स वाई और जेड जब फिर इसमें तो इसने इसको एक्स और वाई और जेड ले लिया चलो नो प्रॉब्लम तो बेटे क्या होता है अगर हमारे पास कोई रॉकेट है जो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है ठीक है अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है क्योंकि रॉकेट का मोशन कभी भी लेफ्ट राइट right नहीं जाता वो स्ट्रेट लाइन जाता है मोशन ऑफ रॉकेट मोशन ऑफ ए बुलेट वैन फायर फ्रॉम अ गन तो हमने देखा कि बुलेट भी हमेशा कैसे जाती है स्ट्रेट लाइन अगर वह स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो इसका मतलब उसके मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें ओनली वन डायमेंशन से ही चाहिए ठीक है ओनली वन डायमेंशनल इज सफिशंट टू एक्सप्लेन इट्स मोशन तो वो वन डायमेंशन मे बी ये एक्स मे बी वाई और मे बी ये जेड लेकिन उसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें दैट मूव इन स्ट्रेट लाइन टू स्पेसिफाई मोशन ओनली वन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड एंड सच टाइप ऑफ मोशन इज नाउन एज मोशन इन वन डायमेंशन आगे इसकी डेफिनेशन बेटी आ जाएगी तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल ए इंसेक्ट ठीक है अगर हमारे पास कोई सेकंड ये फर्स्ट हमारा हो गया मोशन इन वन डायमेंशंस अब हम करेंगे मोशन इन टू डायमेंशंस तो मोशन इन टू डिमेंशन में क्या होगा अगर मान लीजिए मेरे पास वो है चलो स्नेक ही मान लो तो स्नेक कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है इट मूव्स फ्रॉम सर्टेन पार्ट एंड लेफ्ट एंड देन आफ्टर राइट ठीक है तो वो दो डमेंशन चाहिए उसमें ठीक है एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव इन एक्स एज वेल एज इन वाई को वाई डायरेक्शन मोशन फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कोई इंसेक्ट छोड़ दूँ इंसेक्ट कोई भी कीड़ा ठीक है कॉकरेच ही तो कॉकरेच क्या करता है मूव हमेशा स्ट्रेट लाइन मूव करता है समटाइम मूव लेफ्ट समाइम मूव राइट तो लेफ्ट और राइट मतलब मोशन इन ए प्लेन तो वो उस प्लेन को एक्सप्लेन करने के लिए एक चाहिए एक्स अलोंग दिस डायरेक्शन एंड अनदर इज वाई अलोंग दिस डायरेक्शन तो एक्स और वाई तो हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए दो कोऑर्डिनेट एक्स एज वेल एज वाई कोर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई इट्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच मोशन इज नाउंड एज टू डायमेंशनल मोशन एक लास्ट हमारे पास होता है थर्ड डायमेंशनल मोशन तो थर्ड डायमेंशनल मोशन में क्या होता है एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन स्पेस ये आप बातें मेरी याद रखिए एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन स्पेस ओके टू स्पेसिफाई इट्स पोजिशन वी रिक्वायर थ्री कोर्डिनेट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो स्पेस में जा रहा है फॉर एग्जाम्पल कोई चिड़िया है ठीक है हवा में उड़ रही है मैंने बोला जी इसके मोशन को बताइए कि ये एक्स एक्सिस में जा रही है वाई में ये जाकर जेड तो वो एक्स में तो जा रही है ठीक है वो कि जो वो जो हमारे पास स्पैरो है दैट इज मूविंग अलोंग दिस वन डायरेक्शन बट बिकॉज द स्पैरो इज अलोंग दिस वन हाइट हाइट होगा तो, तो, तो वो वाई एक्सिस होगा मूविंग अलोंग दिस और मे बी ये दिस ड तो उसका x भी हो सकता है और z भी हो सकता है सो थ्री कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई इट्स पोजिशन सच ऑब्जेक्ट इज नाउन एज थ्री अब हम करेंगे इसकी कुछ डेफिनेशन पार्ट अब अगर हम इसके डेफिनेशन पार्ट करते हैं अब देखते हैं डेफिनेशन पार्ट में बेटे क्या है इसकी डेफिनेशन को नोट करना आपने जो मेन चीज है वन डायमेंशन मोशन में क्या होगा बेटे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल इफ ओनली वन ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड तो थ्री कोऑर्डिनेट थे हमारे पास एक्स वाई और जेड तो इन तीनों में से कोई एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन इन स्पेस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसका जो मोशन होता है वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओके सच मोशन इजाइजनल मोशन तो आगे हमें दिया है ट्रेन का मूव मुँ, दिया है एग्जाम्पल मैन वॉकिंग ऑन ए लेवल ठीक है और नैरो रोड ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी तो ग्रेविटी में भी क्या होता है ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव करता है ऊपर से नीचे फिर वो एक्स में मूव नहीं करता सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन सेकेंड था हमारे पास टू डिमेंशनल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू डिमेंशन इफ टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो बेटे इसको हम भी हम बोलेंगे दो ही कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये कब होगा अगर किसी प्लेन में मोशन मूव इन ए प्लेन तो प्लेन में होगा अगर तो उसमें एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए जैसे हमारे पास है बिलियर्ड बाल ये बिलियर्ड बाल होता है जो हम स्टिक के साथ बॉल को हिट करते हैं ठीक है तो उसमें बॉल तो या तो एक्स में मूव करती है जहां फिर वाई डायरेक्शन मूव करती है और क्या है इंसेक्ट क्रॉलिंग ओवर ए फ्लोर ऑफ रूम मैंने अभी एग्जांपल दी थी इसकी तो कोई भी इंसेक्ट है वो क्रॉलिंग मतलब मूव करता है ऑन द फ्लोर तो वो कभी move करेगा. X -axis, कभी मूव मूव करेगा करेगा एक्स एक्सिस एक्सिस वाई में ओके नेक्स्ट एग्जांपल टॉपिक इज द थ्री डायमेंशनल मोशन तो थ्री डायमेंशनल मोशन में होगा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें जब तीनों ही कोऑर्डिनेट चाहिए ताकि उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकें देन सच मोशन इज नाउन एज थ्री डायमेंशनल मोशन तो वो मोशन कैसा होता है कोई भी ऑब्जेक्ट वो जो स्पेस में हो ठीक है सच मोशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड सो हम इसको बोलते हैं इट इज़ मोस्टली जनरल फॉर्म ऑफ मोशन फ्यू एग्जाम्पल इज कॉल सी मोशन इन फ्लाइंग अब देखिए ये होता है बट टेक्स प्लेस इन स्पेस तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस में होता है उसके मोशन को एक्सप्लेन करते हैं हम थ्री डायमेंशनल के साथ मोशन ऑफ काइट फ्लाइंग बर्ड्स फ्लाइंग एरोप्लेन तो जो सारे के सारे हैं ऊपर स्पेस में होते हैं सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन ओके सो नेक्स्ट है हमारे पास बेटे मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट तो पाथ लेंथ को हम बोल देते थे बेटे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट पाथ लेंथ होता था डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ए रीज इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड पाथ लेंथ जिसको हम डिस्टेंस भी बोल देते थे तो डिस्टेंस कैन बी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट कैन नॉट बी ए जीरो बट ऑन द अनदर हैंड वी हैव अनदर टर्म दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में बी ए जीरो लेकिन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म डेफिनेशन क्या है डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इस कॉल डिस्प्लेसमेंट इसको हम बोल देते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डिसमेंट तो ये थी इनकी छोटी सी डेफिनेशन एग्जाम में ये डेफिनेशन तो नहीं आती क्योंकि ये तो नाइन्थ में आप ऑलरेडी करके आए हुए हैं लेकिन फिर भी इनका जो डिफ्रेंस वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट था हम वो कर लेते थोड़ा सा दैट पार्ट इज यस yes, तो ये आपने टॉप पॉइंट आप नोट कर सकते हैं डिसप्लेसमेंट हैजूनिट्स ऑफ लेंथ डिसप्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल कैन बी ए पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव तो डिसमेंट कैसी हो सकती है डिसप्लेसमेंट के इंटरवल ऑफ टाइम में पॉजिटिव जीरो नेगेटिव हो सकती है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव नॉट जीरो एंड नेगेटिव ओके नेक्स्ट इज एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है टाइम इज इधर इक्वल टू और ग्रेटर देन द ऑफ़ द डिस्प्लेसमेंट तो जो भी डिस्टेंस होता है बेटे जहां तो वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है जहां फिर उसका मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा होता है देन द डिस्प्लेसमेंट ठीक है जैसे ये एग्जाम्पल देखिए इफ द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा ये वाला पार्ट इसकी डायरेक्शंस भी होगी लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ने मूव किया है ए टू बी मतलब इस डायरेक्शन को तो ये जो पाथ फर्स्ट वाला होगा ये होगा डिस्टेंस और ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट तो आप देखिए मैग्नीट्यूड जो होगा डिस्प्लेसमेंट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस ठीक है अगर जिसकी वैल्यू एट है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी टेन या फिर मोर देन टेन तो इसका मैग्नीट्यूड अदरवाइज ग्रेटर देन नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट तो ये वाले पॉइंट्स आपने नोट कर लेने अपनी कॉपी पर नेक्स्ट है हमारे पास इसकी कुछ डायग्राम से बैठे इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है उसका टाइम मूव करता है बट उसकी मोशन अलॉन्ग वर्टिकल एक्शन डजेंट चेंज देन वी सैट इट इज इट एट रेस्ट तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये वाला अब ये टाइम के साथ तो उसकी पोजिशन चेंज नहीं हो रही टाइम इज पासिंग लेट इट बी ए वन टू थ्री फोर फाइव बट इट्स पोजिशन डजेंट चेंज such object is called at rest and if the object changes is along x axis as well as along y axis <coughs> then we said that object is in uniform motion <coughs> और बेटे uniform motions में graph कैसा होता है straight line ये आपने याद रखना distance और time के graph में ये आपको देता है velocity ठीक है डिस्टेंस ओवर टाइम क्या देता है आपको velocity. <coughs> तो वेन द ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन और जब उसका कर्व लाइन में होगा देन ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म इसको नॉन यूनिफॉर्म बोल दो या फिर वेरिंग <coughs> मोशन भी बोल देते हैं चलिए नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी तो स्पीड क्या होता था बेटे स्पीड होता था टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ठीक है टाइम डिस्टेंस ओवर अपॉन टाइम डिस्टेंस ओवर टाइम इसको हम स्पीड बोलते देते थे, थे और इसके यूनिट क्या होते थे हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी इट्स एस सी जी एस यूनिट क्या हो सेंटीमीटर सेकेंड वर्स केयर ऐसे यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड तो वैसे ही वेलोसिटी हमारे पास क्या होता था टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट स्पीड में हम बात करते हैं डिस्टेंस की और वेलोसिटी में हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट ठीक है बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय वी बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय वी द नेक्स्ट पार्ट इज ओके सो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी तो बेटे इनके जो डिफरेंस है वो भी हम नोट कर सकते हैं एज वी हैव डन अर्लियर इन केस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी वेलोसिटी क्या हो सकती है पॉजिटिव जीरो एंड नेगेटिव हो सकती है बट स्पीड पॉजिटिव ऑफ ऑब्जेक्ट गिव्स ओनली क्वांटिटेटिव नॉलेज ऑफ हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट टेल्स नथिंग अबाउट डायरेक्शन तो स्पीड बताता है कि मोशन बताएगा कितनी स्पीड से मूव कर रहा है लेकिन वो डायरेक्शन नहीं बताता तो डायरेक्शन कौन बताता है velocity. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है द सेम यूनिट एज दैट ऑफ वेलोसिटी दोनों के यूनिट्स क्या होते हैं सेम ही होते हैं ठीक है बेटे सो so, हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट हमारे पास होगा तो नेक्स्ट पार्ट में आपने बेटे याद रखना है हमारे पास होते हैं यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन तो अगर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन तो क्या आएगा डेफिनेशन है, है बेटे सारी की सारी बस यही डेफिनेशन वाला पार्ट ही है आज हमारे पास तो यूनिफॉर्म मोशन में आएगा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट टू बी यूनिफॉर्म इट इफ़ इट इज कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो जब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो देन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशंस तो यूनिफॉर्म मोशंस में जैसे मोशन ऑफ अर्थ अबाउट देयर ऑन एक्सिस तो अर्थ जो अबाउट देयर ऑन एक्सिस उसका जो मोशंस है वो ट्वेंटी फोर आवर्स में वन डे कवर करती है ठीक है वन रोटेशन कवर होती है तो इस मोशंस को क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशंस इक्वल टाइम इन इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ठीक है नेक्स्ट <coughs> है यूनिफॉर्म स्पीड सेम द रेशियो ऑफ पाथ एक्चुअल पाथ लेंथ टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर दैट पाथ नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या आएगा रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट तो इसमें आपने एक ये फार्मूला याद रख लेना फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट इज इक्ल टू वि मल्टीप्लाई बाई टाइम ये कुछ पार्ट है इसको नीड नॉट टू डू इट नेक्स्ट वी हैव स्टडी द पोजिशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ को हम स्टडी करेंगे बाई ग्राफिकल मैथड सो ग्राफिकल मैथड्स के साथ अगर हम करेंगे देन वी हैव दिस वन तो याद रखिए जब भी हमने यूनिफॉर्म मोशंस करना है तो बेटे ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन हमारे पास पोजिशंस है और टाइम गिवन है पोजिशन और टाइम्स है और क्या गिवन है हमारे पास ये क्वेश्चन टाइम का वैल्यू गिवन है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिमिलरली पोजिशन इज आल्सो गिवन टेन ट्वेंटी फाइव फोर्टी एंड फिफ्टी फाइव सेवेंटी एंड एटी फाइव तो डिफरेंस आपको पता चल गया फिफ्टीन का है सो मीन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्टिव Time. तो ये ग्राफ़ आपने ग्राफ बनाना है इसमें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं द मोशन ठीक है इट पोजिशन टाइम ए यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग ए स्टेट पाथ इज स्टेट लाइन इन टू द टाइम एक्सिस में लेना है लॉन्ग एक्स एक्सिस और मोशन हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो और चाहे velocity, उसको हमने वर्टिकल वाई एक्सिस में लेना है साथ में इसके यूनिट्स देखेंगे टाइम के होते हैं सेकंड पोजीशन के होते हैं मीटर तो सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेन मीटर पर सेकंड तो उसके टेन मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ है तो वो ऐसे मोशन बनेगा अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम जीरो पोजीशन जीरो पोजीशन मतलब इसमें तो वो यहां से सीधा ग्राफ बन जाएगा इसका ऊपर ठीक है तो जीरो से भी बन सकता है इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इफ वी आर टेकिंग ग्राफ फ्रॉम टेन मीटर देन ग्राफ इज दिस ओके सो so, ये थे बेटे पार्ट के हमने आज के एक और है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम स्टडी करेंगे तो इसमें क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट लॉन्ग वाई एक्सेस एंड टाइम इज लॉन्ग दिस इसमें आप देखेंगे ऑब्जेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा तो ये मोशनस कैसा हुआ यूनिफॉर्म मोशंस तो यूनिफॉर्म मोशन में कहता है जब वेलोसिटी क्या रहेगी सेम रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब वेलोसिटी चेंजेस ना हो ठीक है विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द मोशन इज नाउन एज यूनिफॉर्म मोशंस